बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल और करम और शुक्र के साथ। आज दूसरा दिन है शादी का, आज हमने जाना वलीमे पे। आपका भाई हो गया रेडी, ऊपर पहन लिया कोट एडवोकेट टिलों वाला। कोट पहनने के बाद दोस्त को कॉल किया, दोस्त कह रहा पार्किंग जाना है, तो हम पार्किंग ही पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्त इनवेलप के ऊपर नाम लिख रहा है, तो मैंने बोला मेरा भी नाम लिख दो जो सा के तैयब भाई को हमने देना है। नाम लिखने के बाद दोस्तों अल्लाह का नाम लेके हमने गाड़ी निकाली है पार्किंग से बाहर। बाहर निकालने के बाद दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं जीटी रोड के ऊपर। डीएचए आ रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही इधर प्यारी प्यारी बिल्डिंगें बनेंगी और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, आर्मी के अंडर है। तो फैमिली के साथ आए और आप इंजॉय करें। बातों बातों में अल्हम्दुलिल्लाह हम मैरिज हॉल के पास भी पहुंच गए थे। हमने एंट्री की, तो एंट्री करने लगे हैं तो आगे ही प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां खड़ी थी पुलिस वालों की, कोई किसी के साथ आई थी, हो सकता है हमारा ही प्रोटोकॉल हो, बहुत शुक्रिया उनका। और एक तरफ बारात भी आई थी, ढोल वाले वापस जा रहे हैं। आगे व्हाट्सएप का नाम लिखा हुआ अनवर व्हाट्सएप का, हमारे दोस्त की जो सा मार्की है वो लास्ट पे है मेरे ख्याल से। तो इधर पार्किंग भी हमें नहीं थी मिल रही, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी क्योंकि दो तीन इवेंट थे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी देखा पुलिस वाले थे और साथ एक तरफ बारात भी है और दोस्त का वलीमा भी है। वो कह रहा पार्किंग इस तरफ है, हम उस तरफ पार्किंग लगाने के लिए चले गए। जैसे ही हमने दूसरी तरफ गाड़ी का रुख किया तो उस तरफ भी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, उधर भी पार्किंग वाला भाई कह रहा गाड़ी आगे ले जाओ आगे ले जाओ, इधर काफ़ी ज़्यादा रश है, वापसी में आने में जब गाड़ी एक साथ निकलेंगी तो बहुत मुश्किल होगा। हमने गाड़ी को पार्क किया तो हम हॉल के अंदर जैसे इंटर हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मेहमान आ चुके थे, हम लेट हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चेयरों के ऊपर, सोफे टाइप की बनी थी, हम उसके ऊपर बैठे, बैठ के हम दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे और तैयब असलम को भी देख रहे थे। तैयब असलम मसरूफ था दूसरी तरफ, क्योंकि वलीमे वो मेहमान आए थे दूसरे घर के, और फौरी तौर लाइट बंद हो गई थी। लाइट इसलिए बंद हुई थी, आपको पता है एंट्री होती है दूल्हे की और दुल्हन की, दोनों की एक साथ, इसलिए उन्होंने लाइट बंद कर दी और मेहमान आपस में गपशप लगाने लग पड़े और इंजॉय भी कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उधर से अनाज चढ़ने लग पड़े, दोस्त हमारा एंट्री हो चुकी थी और बहुत ही दूर से मैं कैप्चर कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर क्लियर आ सके। उधर जा तो नहीं सोच सकता मैं क्योंकि लेडीज़ का लादा था और मर्द हजरात का लादा था, मैंने दूर से कैप्चर कर लिया आपको दिखाने के लिए। एंट्री हो चुकी थी, एंट्री के फौरन बाद दोस्तों उन्होंने खाना पेश किया। सबसे पहले उन्होंने हमारे लिए सूप और साथ पापड़ वो हमारे लिए ले गए। सूप मैंने डाला कोली के अंदर, डाल के मैंने टेस्ट किया तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद फौरी तौर उन्होंने रिशु सैलड और सलाद वो चाट वगैरह ले गए, फिर साथ ही छोटा गोश्त आ गया था, यकीन करके मानने बहुत ही गरम गरम और लजीज, बहुत ही मज़ा आया था मुझे खाने का। और आपके भाई ने लास्ट में डाला था, आप देख रहे हैं कैसे छिक 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 करके अंदर डाल रहे हैं भाई सारे अपने प्लेट के। बहरहाल सर्दी थी, थोड़ा डालने और गर्म रहता, ज़्यादा डालेंगे ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता चीज़ खाने का। मैंने आराम से थोड़ा सा डाल के और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर लिया आपके भाई ने। फिर थोड़ी देर बाद दोस्तों उन्होंने गजरेला वगैरह ले आए, बहुत ही मज़े का, यकीन करके माने ऊपर बादाम काजू और सौंगी वगैरह भी थी और साथ चाय भी थी, यकीन करके माने। खाना खाने के बाद दोस्त भी आ गया था हमें मिलने के लिए, उसको हमने सलाम पेश की और छोटी सी मैंने वीडियो भी बना ली अच्छे तरीके से। फिर उसको मैंने इनवेलो वगैरह दे के हम वापस घर की तरफ रवाना हो गए और साथ सॉन्ग भी सुना सिद्धू मूसे का। The chemicals that take us higher. The night's young.
just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. जैसे गाना ख़त्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने शहर कखर में पहुंच चुके थे गपशप लगाते हुए दोस्तों के साथ, और मेरे दोस्त ने बहुत ही तेज़ ड्राइव की। मैंने उसको बोला स्मोकिंग भी है और धुंध आ रही है आस्ता आस्ता, तो आराम से चलाओ, तो नेक्स्ट टाइम हमारा भी हमारी शादी भी कोई आ जाए, ये ना कोई मसला आ जाए। तो आज का व्लॉग यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।